नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गुशान और आप लोग देख रहे हो टेक्निकल एक्सेसिबिलिटी वर्ल्ड का यूट्यूब चैनल। कैसे हो सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो भैया, वीडियो का टॉपिक नहीं मिल रहा था, तो भैया मैं मेहनत तो बहुत कर रहा था कुछ ना कुछ ढूंढने की। तो भैया एक गेम मिली है मुझे, रैप लाइफ। जी हाँ, इसमें आप सिंगर बन सकते हो, मतलब रैपर बन सकते हो। तो भैया कैसे खेलना है सारी डिटेल आज की इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। और वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो के नीचे कमेंट करना मत भूलेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे ज़रूर से प्रेस कर देना, ताकि आपको हमारी ऐसी नई और लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो भैया हम लोग गेम को ओपन करते हैं, और गेम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पे मैं प्रोवाइड करवा दूँगा, तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लें। तो ये रहा रैप लाइफ। भैया म्यूजिक को हम बंद कर देते हैं, तो इसके इंटरफेस देखते हैं। तो भैया एक और बात यहाँ पे आपको मैं बताना चाहूँगा, इसके आप लेबल्स लगा लेना। अगर नहीं लगाना चाहते तो भैया आप अनेबल आईडीज वाले ऑप्शन को ऑन कर लेना। तो ये कुछ ऐसे बटन को बोलेगा। तो सबसे पहला ऑप्शन है ये म्यूजिक का, यहाँ से आप म्यूजिक को ऑन ऑफ कर सकते हो। प्रोफाइल, तो भैया ये पहली प्रोफाइल है जो जिससे अभी मैं खेल रहा हूँ। तो ये मैंने प्रोफाइल क्रिएट की थी, जिसको डिलीट कर सकते हो। जैसे आप पहली बार गेम ओपन करोगे, आपको न्यू प्रोफाइल पर जाना है, करेक्टर क्रिएशन। तो भैया आप नेम टाइप कर देना, और भैया इमेज सिलेक्ट कर लेना, और जेंडर मेल और फीमेल। तो यहाँ फ्लो वगैरह जो भी, यहाँ पे दो पॉइंट्स हैं, तो आप किन को देना चाहोगे? पहला है फ्लो, यहाँ से आप पॉइंट्स को कम कर सकते हो। डिलीट है ये, ठीक है, एक पॉइंट है, मतलब एक फ्लो है। ऐड कर सकते हो यहाँ से फ्लो को एक पॉइंट। टेक्स्ट, तो यहाँ से ऐड कर सकते हो, उससे पहले डिलीट कर सकते थे। म्यूजिक भी आप ऐड कर सकते हो। दो पॉइंट्स हैं, आपको ध्यान रखना है आपको किस किस में उनको ऐड करना है, ठीक है। तो भैया ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट कर देना है, ठीक है आपको। तो भैया मैं कर देता हूँ, रुक जाओ, म्यूजिक को दे देता हूँ दोनों। भैया हम लोग तो नेम भी एंटर कर लेते हैं, टेंशन क्या है। तो भैया हम लोग नेम एंटर कर लेते हैं, यहाँ पे कुछ भी एंटर कर दे रहा हूँ फिलहाल। तो मैं भैया यहाँ पे अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इंट्रोडक्शन। तो भैया इन्होंने कहा आप फ्यूचर स्टार हो, आपको मतलब इसका एक गेम कैम है कि आपको टॉप, मतलब टॉप स्टार बनना है, टॉप रैपर बनना है। और यहाँ से जैसे जितनी क्वालिटी के आप मतलब ट्रैक क्रिएट करोगे, उतने आपको अच्छा सपोर्ट मिलेगा, आपका पहले इस गेम में कोई नेम नहीं होगा। तो भैया नेक्स्ट करके आप ट्यूटोरियल पढ़ सकते हो, लेकिन मैं इसको बैक करने वाला हूँ फिलहाल। तो आप भैया पूरा ट्यूटोरियल पढ़ लेना, मैं बताऊँ तो इसको हम डिलीट कर देंगे। प्रोफाइल डिलीट करनी कैसे? आपको डिलीट प्रोफाइल पर क्लिक करना है और यस के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। तो उसके बाद ऐसे हम न्यू प्रोफाइल्स में क्रिएट कर सकते हैं, तीन प्रोफाइल्स आप क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद हाँ अबाउट अस, तो ये देख लेते हैं भैया। तो भैया ये इसका वर्जन है, डेवलपर इनके डेवलपर का नाम है, आइकन किसके हैं उन्होंने उसका लिंक दे रखा है, एवटार्स एंड लोगोज किसके हैं उन्होंने उनका नेम डाल रखा है यहाँ। तो भैया म्यूजिक भी उन्होंने बता रखा है, तो ओके यहाँ से आप कर देना। तो ये इनका अबाउट पेज है। उसके बाद सेटिंग्स, सेटिंग्स देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे गेम को देखेंगे।
स्विच। तो भैया इस जो आपको एड पर्सनलाइजेशन का ऑप्शन है, इसको आप जैसे ही ओपन करोगे गेम को, ये आपको ऑन करने के लिए करेगा, इसको आप ऑन कर लेना। उसके बाद बस सेटिंग्स में यही है, इसको ओके कर देना, ठीक है। तो भैया हम लोग गेम ओपन करते हैं। तो ये मेरी प्रोफाइल है गुशान की, मैंने खुद क्रिएट की थी। $68 हैं इसमें मेरे पास, 79 मेरे फैंस हैं और 23 डेज हो चुके हैं। तो भैया इसको ओपन कर लेते हैं। तो ये मेरे फैंस हैं, $68 हैं और यहाँ पे एनर्जी है मेरी 50 एनर्जी। भैया बहुत काम की होती है, तो इन्होंने वैसे लिख रखा है पॉपुलर नाउ। स्टाइल मेरा है, थीम बता रखी है, ठीक है। तो उसके पहले हेल्प का बटन आ चुका है, यहाँ से आप हेल्प ले सकते हो। उसका स्टूडियो, एल्बम, क्लिप, रेटिंग, अवार्ड्स, एडवर्टाइज कैंपेन, रिकॉर्ड ट्रैक, ठीक है। तो भैया इसको हम देख लेते हैं पहले, तो स्टूडियो में चलते हैं, हेल्प हम नहीं देखेंगे। होम स्टूडियो, तो हेल्प है। तो यहाँ से आप अपग्रेड कर सकते हो सब कुछ, ये देखिए। तो यहाँ से इनको एक्सपेंड कर सकते हो। तो भैया जैसे आप किसी आइटम पे क्लिक करोगे, उसको आप रिप्लेस भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद एक्सपेंड स्टूडियो भी कर सकते हो, अगर आपके पास पैसा हुआ, मतलब मनी होगी तो, ठीक है। तो एल्बम्स ये देख लेते हैं भैया, एल्बम हेल्प ले सकते हो। तो भैया यहाँ पे साइलेंट बटन है, तो ये देख। तो भैया यहाँ से आप एल्बम क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो एल्बम आप जैसे आगे गेम में बढ़ोगे तो इसको आप क्रिएट कर सकते हो। तो ऊपर यहाँ पे जैसे आप एल्बम पे जाओगे तो यहाँ से आपको एल्बम का सब कुछ देखने के लिए मिलेगा। हेल्प पे यहाँ पे एल्बम हेल्प, ठीक है। Quality of an album depends on the average rating of the tracks it contains and on the number of identical combinations of style theme tracks. Too many identical tracks will lower the score. Start. Stop recording. तो भैया आप यहाँ पे जितने आपके जो आइडेंटिकल जो आपके मतलब पहले से रिलीज हैं ट्रैक्स, जितने आपके होंगे उतने एल्बम का रेटिंग कम होगा। और यहाँ पे आप 20 ट्रैक एक एल्बम में ऐड कर सकते हो। और क्या था भैया, वो भी देख लेते हैं। हाँ, तो आपके 4 ट्रैक्स होने चाहिए जो अभी तक आपने रिलीज नहीं किए हैं, ठीक है। उसके बाद क्लिप्स ये भी देख लेते हैं। तो भैया यहाँ से भी आप देख सकते हो, यहाँ से आप नई क्लिप क्रिएट कर सकते हो। हेल्प देख लेते हैं। तो भैया यहाँ से आप जितना इसमें पैसा लगाओगे उतनी अच्छी क्रिएट क्लिप क्रिएट कर सकते हो। न्यू पे चलते हैं, तो यहाँ से आप अपना बजट डालोगे। थीम से यहाँ पे पहले ऐसी सिलेक्ट है तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। लोकेशन देख सकते हो, ऐड कर सकते हो, देखिए। तो यहाँ से प्लॉट वगैरह सिलेक्ट कर सकते हो, डेकोरेशन यहाँ से ऐड कर सकते हो, एक्टर। तो भैया ऐड देखिए यहाँ पे मैंने किया है। तो भैया इस प्रकार से आप एक्टर्स वगैरह को ऐड कर सकते हो। एडवर्टाइज को आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ से आप एडवर्टाइज को 100 कर देना, ठीक है। उसके बाद रिकॉर्डिंग को स्टार्ट कर सकते हो। इस प्रकार से ये सिस्टम है, जैसे आप आगे बढ़ोगे तो आप गेम को सीख सकते हो। क्योंकि मैंने भी अभी इतना एक्सप्लोर नहीं किया, मैं ट्रैक्स के बारे में प्रॉपर जानता हूँ। और रेटिंग, यहाँ से रेटिंग को देख लेते हैं। तो जैसे आप आगे गेम को एक्सप्लोर करोगे तो आपको बहुत कुछ इस गेम में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। लोकल रेटिंग, ऑनलाइन रेटिंग, भैया पहले लोकल रेटिंग देखेंगे, ऑनलाइन के बारे में आपको फिर बताता हूँ। तो भैया
देखिए ये भैया ये गेम के सिंगर हैं उनकी रेटिंग है ठीक है, तो आपको यहाँ पे टॉप पे जाना है इस रेटिंग के हिसाब से। जैसे आप टॉप पे चले जाओगे तो आप सबसे मतलब ज़्यादा बड़े सिंगर होगे। ऑनलाइन रेटिंग गूगल प्ले गेम्स लीडर बोर्ड है ये, यहाँ से आप अपने लीडर बोर्ड चेक कर सकते हो ऑनलाइन रेटिंग से ठीक है। रेटिंग देखा है स्टूडियो एल्बम क्लिप्स रेटिंग ये हमने देख लिए। अवार्ड्स देखते हैं ठीक है। तो ये भैया इसमें ये सब अवार्ड्स हैं, जैसे आप आगे बढ़ोगे तो ये आपको अवार्ड्स मिलेंगे ठीक है। अभी मेरे पास नहीं है एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स, ये देख लेते हैं। यहाँ से आप नई एडवर्टाइज कंपनी क्रिएट करके उसको आप मतलब अपने जो रैप्स होंगे उनके लिए आप उसे एडवर्टाइज करवा सकते हो। तो ये भैया मेरा एक सॉन्ग है, मैंने इसमें क्रिएट किया था, ये भी मैंने क्रिएट किया था। तो यहाँ से इसकी सेटिंग्स हैं ये देख लेते हैं। तो भैया इसको मैं रिज्यूम कर सकता हूँ, ये मैंने एडवर्टाइजमेंट स्टॉप की थी, एडिट भी कर सकते हो और डिलीट भी आप कर सकते हो ठीक है। तो बैक करते हैं, यहाँ से आप एडवर्टाइज करवा सकते हो अपने सॉन्ग को। उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट रिकॉर्ड ट्रैक, तो भैया ये हम लोग देखते हैं। तो ये रहा मेरा पहले वाला ट्रैक, अभी ये पूरा हुआ नहीं है तो इसको करते हैं पूरा। तो भैया जैसे ही आप कोई ट्रैक क्रिएट करने जाओगे उसका आपको नेम डालना है, रैंडम नेम भी रख सकते हो। उसके बाद उसका थीम चूज करना है, गैंगस्टर और लिरिक्स और भी बहुत सारे थीम्स होंगे। उसके बाद उसका भी थीम चूज करना है, जैसे लव ड्रग्स और भी काफ़ी सारे थीम्स, तीन चार थीम्स हैं वो आपको सिलेक्ट करके नेक्स्ट करना है। उसके बाद तो ये रहा राइट इंस्ट्रूमेंट, ये मेरा तो 100 है क्योंकि मैंने इसको पहले से स्टार्ट कर रखा है। तो भैया इसको आपको ऐड करना है सबको, मतलब ऐड करते जाना धीरे धीरे ठीक है, इन सबको जो भी यहाँ पे दिखा रहा है। ये 100 मैंने ऑलरेडी कर रखा है, ये मिक्सिंग ट्रैक है ठीक है, ये मास्टरिंग है। तो ये मेरी 85 है। तो उसके बाद यहाँ पे इसको मैं अभी पूरा करूँगा, यहाँ पे जो 10 लिखा आ रहा है ये इस पर आपको क्लिक करना है। आपकी एनर्जी है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको रिस्टोर कैसे करना है वो भी दिखाऊंगा। जो वहाँ पे दिखा रहा था ना 50 out of 50 दिखाता हूँ आपको, हाँ तो हाँ ये देखिए ये 50 out of 50 ये आपकी एनर्जी है। इसका आपको अगर ये आपका एनर्जी होगा जितना, मतलब जैसे आप यहाँ पे 10 करोगे तो ये आपका 10 एनर्जी होगा लूज हो जाएगा और ये आपका आगे प्रोग्रेस होगा। ये जैसे मैं 10 पे क्लिक करता हूँ तो भैया ये हो गया, देखिए पहले मास्टरी जो था हमारा 85 था, अब देखिए ये एक लेवल का 100 हो चुका है ठीक है। तो भैया इसको आपको ये सब कुछ करने के बाद यहाँ से बैक आ जाना है। उसके बाद जैसे आपका सॉन्ग पूरा होगा उसके बाद देखते हैं क्या होता है। एनर्जी देखिए मेरी कम हो चुकी है अभी, देखिए ये देखिए 50 out of 40 हो चुकी है। तो ये मेरा सॉन्ग है। तो उसके बाद जैसे आपका कंप्लीट हो जाएगा तो एक नया ऑप्शन आएगा, ये देखिए मार्केटिंग, आपको मार्केटिंग के ऑप्शन पे जाना है। ये हेल्प है, तो आपको अनाउंस पे क्लिक करना है। उसके बाद जैसे आप अनाउंस पे क्लिक करोगे तो आपको ऐड देखने के लिए आएगा, तो यस करना है, ऐड वॉच करना है, ऐड को नॉर्मल से किसी से क्लोज करवाना है। उसके बाद जैसे आप अनाउंस कर दोगे उसके बाद आपको रिलीज पे टैप करना है ठीक है। तो जैसे आप रिलीज पे क्लिक करोगे उसके बाद ऐड आई क्लोज कर देना है उसको, तो मेरा सॉन्ग रिलीज हो गया है। तो ये मेरा सॉन्ग का नाम है पीस वॉरियर ठीक है। तो जैसे ही मैं रिलीज कर दिया तो ये वापस आ जाएगा वहाँ पे, तो ये उसका हिसाब किताब। तो एडवर्टाइजिंग पे उसके बाद आपको क्लिक करना ठीक है, टीम एक
हाँ मेरे पास 6 पॉइंट हैं डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए देने के लिए, ठीक है। तो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है आप इस सॉन्ग को किसके लिए बना रहे हो, यंग जो पीपल हैं उनके लिए बना रहे हो, अगर हाँ तो ऐड पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको 6 पॉइंट्स हैं, आपको यहाँ पे इनको 6 को डिवाइड करना है। जैसे मैंने 3 पॉइंट्स दे दिए यंग को, उसके बाद मैच्योर आता है, तो इसको मैं करता हूँ ऐड। 3 मैंने मैच्योर को दिए, 3 यंग को दिए। उस पर अमाउंट डालना है ऐड के लिए, तो भैया ऐड के लिए हम लोग अमाउंट डालते हैं यहाँ पे अभी कितना डालें, हाँ 22 डॉलर हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे 22 इम्प्रेशंस इन्होंने बताया 73 और स्टार्ट एडवर्टाइजिंग कंपनी, ठीक है। आपको इस पर क्लिक करना है तो तो यहाँ से आप उसको बंद भी कर सकते हो, ठीक है। आपको सब कुछ करना है, उसके बाद मार्केटिंग पे जाना है, जो मैंने पहले बताया था आपको, सब वो 100% कंप्लीट करके मार्केटिंग पे जाना है बैक करने के बाद। तो जैसे आप मार्केटिंग पे जाओगे, रिलीज पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको एडवर्टाइज पे जाना है। तो यहाँ से एडवर्टाइजमेंट में जाने के बाद, तो वहाँ से आपको पॉइंट डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, उसके बाद आपको अमाउंट डालना है ऐड के लिए, और उसके बाद आपको आगे जो ऑप्शन होगा उस पर आपको क्लिक करना है, तो आपका जो ऐड है वो लाइव हो जाएगा। अब यहाँ से मैं बैक करता हूँ, और एक और बात, यहाँ से आपको पैसे आपको बचा कर रखने हैं, और आपका हर एक दिन का $2 का रेंट जाता है। अगर आपके पास पैसे नहीं रहेंगे तो भैया आप बैंकक्रप्ट हो जाओगे। तो भैया उन्होंने कहा यू हैव रिसीव न्यू मैसेज, तो भैया वो बाद में देखेंगे। उसके बाद अभी हमने एडवर्टाइजिंग कैंपेन देखी, रिकॉर्ड ट्रैक्स, एक ये वाला ऑप्शन हम देखते हैं अभी। तो भैया ये मेरा एक ट्रैक था, एक ये था, तो एक ये था। उसके बाद आपको नया ट्रैक बनाना है, तो आप ट्रैक्स में आने के बाद न्यू ट्रैक पे क्लिक करना, तो यहाँ से हेल्प ले सकते हो। तो ट्रैक का नेम डालना है या फिर रैंडम नेम, जैसे देखिए चेंज आ गया लिरिक्स। यहाँ से आपको आप चेंज कर सकते हो इसको, गैंगस्टर रैप भी बना सकते हो, लिरिक रैप, अलग अलग रैप यहाँ से आप बना सकते हो। मैं लिरिक्स रहने देता हूँ, इंफॉर्मेशन ले सकते हो जो लिरिक्स है उनके बारे में, डिस्ट्रीब्यूट पॉइंट, आप फ्लो को तो कितने पॉइंट्स दोगे। तो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है किस चीज़ की क्वालिटी कितनी होनी चाहिए, उस हिसाब से आपको पॉइंट्स देने हैं। मैं फ्लो में एक पॉइंट ऐड कर सकता हूँ, उसको डिलीट भी कर सकता हूँ, टेक्स्ट को जैसे एक पॉइंट यहाँ पे दे देता हूँ 1 पॉइंट। तो इस हिसाब से आप पॉइंट्स को जो डिवाइड कर सकते हो अपने हिसाब से, तो इस प्रकार से आप सब कुछ कर सकते हो। आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छा लगा, इसका एक नया पार्ट वीडियो को बनाऊंगा। धन्यवाद दोस्तों आज का मेरा वीडियो देखने के लिए।